फिल्म में कुरान की आयत का गलत अर्थ से नाराज मुस्लिम समुदाय ने दिया डीएम को ज्ञापन। खबर जालौन से, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुरान की आयत नंबर 233 का गलत अर्थ निकालकर फिल्म निर्माता ने फिल्म को प्रदर्शित किया, जिससे नाराज मुस्लिम समुदाय ने फिल्म को बैन लगाने को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को डीएम द्वारा ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा इस तरीके की फिल्में एक समुदाय को आहत करती हैं, जिससे देश का माहौल बिगड़ता है, सौंदर्य खराब होता है। इस तरीके की फिल्मों पर बैन लगाया जाए ताकि किसी एक समुदाय को ठेस न पहुंचे और उसके धर्म के साथ खिलवाड़ न हो। इसको लेकर जिला कलेक्टर परिसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज्ञापन दिया। ये हम लोग 7 जून को रिलीज होने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 और एक्स मुस्लिम करके समीर जिसने कुरान पाक को जलाया और उसकी बेइज्जती की, उसके लिए देने के लिए आए। अच्छा, क्या आश्वासन मिला आपको? डीएम साहब ने कहा है कि उसको दिल्ली भेजेंगे और कार्रवाई होगी। अगर क्या मांगे आपकी? ये इस तरीके से मतलब महीने दो महीने में इस तरीके की हरकत की जाती है, जिससे सिर्फ एक मज़हब को टारगेट करके और उसको भद्दा दिखाने की कोशिश की जाती है, बल्कि हमारे मज़हब में तो औरतों के माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बेटी को रहमत करार दिया गया है। लेकिन हम दो हमारे 12 जैसी मूवी बना करके मुसलमानों को जो है दिलों को तकलीफ पहुँचाई गई और उसमें बहुत से भद्दे जुमलों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी रिलीजिंग पर रोक लगा, बैन किया जाए और इस तरीके की मूवी दोबारा फिर ना बने, और जिससे हमारे मुल्क में अमन और सुकून बना रहे।